पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप हीरक जयंती वर्ष मनाया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान रहे। उन्होंने भावी पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने की नसीहत दी। वक्ताओं ने क्षत्रिय समाज को एकजुट होने के साथ ही शिक्षा की दिशा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की बात कही। मुख्य अतिथि ने खेल प्रतिभाओं को संसाधन पहुंचाने की सरकार की मंशा के बारे में बताया। समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग का वादा किया। विशिष्ट अतिथि राघवेंद्र सिंह ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पूर्व विधायक मेजर जेपी सिंह ने क्षत्रिय महासभा के इतिहास के बारे में बताया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अनुज चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही जल्द ही मुरादाबाद जिले में महाराणा प्रताप भवन निर्माण की बात कही। पंचायत भवन में आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता हरपाल सिंह के द्वारा की गई। मैं तो सबसे कहता हूँ, कौन सा संगठन है जो चाहे भटनागर का हो, ब्राह्मणों का हो, लोधों का हो, सबके नेता सब में जाते हैं। हमारे नेता भी आए, हम भी उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन अधिकांश नेता होगा नहीं आते हैं। जो 4 साल में काम किया है वो मैं समझता हूँ पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ है। जिस प्रकार से काम, चाहे गरीबों के लिए आवास हो, सरकार ने लगभग 1 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए हैं। 18,500 गांव में 70 साल में बिजली जहाँ नहीं पहुंची थी वहां पर बिजली पहुंचाई। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना में 48,000 गांव में 48,000 किलोमीटर सड़क बनी है। रोजाना 133 किलोमीटर सड़क बन रही है। 2022 तक हर व्यक्ति के सर के ऊपर पक्की छत होगी। विभागीय बात करें, उत्तर प्रदेश में 1 साल होने के बाद में आप ही के विभाग की बात करें तो कितना कार्य रहा, और मुरादाबाद को अभी तक एक तोहफे देने की बात की गई थी, उसमें कुछ भी अभी नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार है, मुरादाबाद में युवा कल्याण की जगह है, हम लोगों के पास एक वो आया है, लगभग 80 लाख रुपये का स्विमिंग पूल हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर वहाँ पर एक मल्टीपर्पज हॉल बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे जाके खेलेंगे। वैसे तो स्टेडियम है ही वहाँ पर, स्टेडियम में सारी व्यवस्था है, कोचिंग की व्यवस्था है, कोचेज हमने नियुक्त किए, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर चल रही है। ITI की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कौशल विकास की बात आ जाती है, 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 4 लाख लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, और लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। तो इस साल जो पिछला साल गया है, 71,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, और ये जो रोजगार हम लोग दे रहे हैं, रोजगार महिलाओं के द्वारा ITI के माध्यम से बहुत काम हो रहा है। इसी प्रकार से खेल के अंदर हम लोगों ने, जैसा मैं अभी कह रहा था कि ओलंपिक में जो जीतेगा उसको 6 करोड़ रुपये देगा। 11 सरकारी विभागों में पहली बार हुआ है, ये पहली सरकार है जिसने 11 सरकारी विभागों में हमने खिलाड़ियों के लिए 2% कोटा रख दिया है, और वहाँ पर नौकरियाँ खोल दी गई हैं। पुलिस विभाग में ही 1,500 नौकरियाँ खिलाड़ियों को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।